हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फेज़ रूल का लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं। आज हम वाटर सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने वाटर सिस्टम का डायग्राम पढ़ा था, फेज़ डायग्राम पढ़ा था। हमने ये देखा था कि यह फेज़ डायग्राम 3 भागों में डिवाइड होता है। वक्र जो कि OA वक्र, OC वक्र तथा OB वक्र हैं। दूसरा भाग जो होता है क्षेत्रफल अर्थात एरिया, जो कि AOC वक्र के बाएं भाग का क्षेत्रफल, COB या BOC वक्र के बीच भाग के बीच का क्षेत्रफल तथा AOB भाग के दाहिने तरफ का क्षेत्रफल। यह 3 एरियाज में डिवाइड हुआ था और एक पॉइंट था ट्रिपल पॉइंट। तो वक्र, एरिया एवं पॉइंट में फेज डायग्राम डिवाइड होता है। यह सब हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था। आज हम उसी का थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। OA वक्र हमने देखा था कि बर्फ और वाष्प के इक्विलिब्रियम को बताता था, और इसलिए हमने OA वक्र को सब्लिमेशन कर्व अर्थात सॉलिड फेज डायरेक्ट वेपर फेज में कन्वर्ट हो रही थी। इस तरह से हमने OA वक्र को ऊर्ध्वपातन वक्र कहा था, और चूंकि इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर 2 फेजेज उपस्थित थी, इसलिए F = C - P + 2 नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट 1 था। इसलिए 1 - 2 + 2 अर्थात डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार OA वक्र के प्रत्येक बिंदु पर हमें एक ही स्वतंत्रता की कोटि की आवश्यकता होती है, अर्थात एक ही चर, एक ही वेरिएबल की आवश्यकता होती है। ताप हो चाहे दाब हो, इनमें से जो भी हम जिसकी भी जिसको भी बता देंगे तो दूसरा जो वेरिएबल है वो ऑटोमेटिकली ही अपने आप ही वो स्पष्ट हो जाता है या फिक्स हो जाता है। वक्र OB को हमने पढ़ा था कि वक्र OB द्रव एवं वाष्प के साम्य को प्रदर्शित करता है, जिसे वेपर प्रेशर कर्व भी कहते हैं। और चूंकि यहाँ जल और वाष्प यानी दो लिक्विड और वेपर स्टेट दोनों प्रावस्थाएँ उपस्थित हैं, इसके लिए नंबर ऑफ फेजेज इक्वल टू 2 हो जाता है। अतः डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है, अर्थात इस वक्र यूनिवेरिएंट होता है। और इस वक्र पर फिर हमने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्रांतिक ताप 374 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और क्रांतिक घटना जो है यह क्रांतिक ताप 374 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्रांतिक दाब 218 वायुमंडल पर संपन्न होती है। इसके बाद हमने वक्र OC को पढ़ा था। वक्र OC को बर्फ का गलन वक्र या फ्यूज़न वक्र भी कहते हैं, क्योंकि इस पर आइस जो होती है अर्थात सॉलिड स्टेट जो पानी की होती है वो जल के साथ इक्विलिब्रियम में रहती है, अर्थात इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर 2 प्रावस्थाएँ उपस्थित रहती हैं। इसलिए P = 2 एंड C नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट = 1 अतः तंत्र एक चर होता है। और वक्र पर बिंदु Y बर्फ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बताता है, और बर्फ के गलन वक्र का झुकाव जो होता है वह यह प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कम होता है, जो कि जो गलन वक्र का जो झुकाव है वो दाब अक्ष की तरफ होता है। तो यह स्पष्ट करता है कि बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने पर कम होता है। अगला वक्र जो कि OA- वक्र था, जो कि डॉटेड लाइन से बताया गया था, उसे शीतलन, अतिशीतलन वक्र या सुपर कूलिंग वक्र कहते हैं, जिसमें कि जल मित स्थायी मेटास्टेबल स्टेट में उपस्थित होता है। फिर हमने एरियाज की बात करी थी, एरियाज एनक्लोज्ड बाय कर्व्स। सबसे पहला एरिया हमने पढ़ा था वक्र OA, OC तथा दाब अक्ष से घिरा क्षेत्र। इस एरिया में केवल एक ही प्रावस्था बर्फ उपस्थित थी, अतः P = 1 एंड C = 1 प्रावस्था नियम में रखने पर हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें 2 प्राप्त होती है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 2 प्राप्त होने का मतलब यह है कि इस क्षेत्र में तंत्र को पूर्णतया अभिव्यक्त करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को ही फिक्स करना आवश्यक है, यानी दोनों को ही एक्सप्लेन करना आवश्यक है। और अतः 2 निर्देशांक की हमें आवश्यकता होती है बिंदु को एक्सप्लेन करने के लिए, अतः तंत्र द्विचर होता है। इसी प्रकार से हमने फिर दूसरे क्षेत्र, दूसरे एरिया की बात की थी, वक्र OA, OB तथा ताप अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्र अर्थात क्षेत्र AOB। इस क्षेत्र में भी केवल एक प्रावस्था यानी गैस प्रावस्था उपस्थित है, और चूंकि घटकों की संख्या भी एक है अतः प्रावस्था नियम के अनुसार
स्वतंत्रता की कोटि यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी और तंत्र होगा द्विचर। इसी प्रकार से हमने फिर तीसरे क्षेत्र की बात की, वक्र OC तथा OB से घिरा क्षेत्र यानी क्षेत्र BOC। इस क्षेत्र में भी केवल जल प्रावस्था है और द्रव प्रावस्था है और इस कारण इसकी स्वतंत्रता की कोटि भी 2 होती है, अतः इसे भी पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए ताप व दाब दोनों की आवश्यकता हमें होती है। अब हम आते हैं क्षेत्रों की सार्थकता पर, और क्षेत्रों की सार्थकता को समझने के लिए हमने ये देखा था कि यदि स्थिर दाब पर ताप बढ़ाया जाता है यानी एक बिंदु A वक्र OC पर लेते हैं और उसे बर्फ तथा जल दो प्रावस्थाएं साम्य में हैं। यहाँ देखिए हमने जो A है, A वक्र देखते हैं हम, ये है, यह A वक्र है तथा A वक्र पर अगर हम स्थिर दाब पर ताप बढ़ाते हैं तो हमारे A वक्र पर उपस्थित है, A जो है ये वक्र पर उपस्थित है, OC वक्र पर A बिंदु उपस्थित है। इस A बिंदु का यदि हम ताप बढ़ाएं तो क्या होगा, ताप बढ़ाने पर यह जो आइस है ये पिघलना शुरू हो जाएगी और केवल लिक्विड स्टेट हमें प्राप्त हो जाएगी और हम B अवस्था तक पहुँच जाएंगे, और यदि A बिंदु पर उपस्थित वक्र पर यदि ताप हम घटाएं तो B डैश की तरफ बढ़ेंगे, अर्थात जो हमारी जल था वो जमना शुरू हो जाएगा और आइस फॉर्म में यानी सॉलिड फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से हमने B डैश जो लाइन है उसको, टाई लाइन को, जो स्थिर ताप पर हमने स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि से अवस्था परिवर्तन को हमने समझा है, हमने देखा है। इसी प्रकार से यदि हम बिंदु A पर उपस्थित हैं और यदि ताप तंत्र का स्थिर कर दिया जाए और ताप स्थिर करके हम यदि दाब को बढ़ाते हैं तो यहाँ जो आइस और वाटर जो कि इक्विलिब्रियम में थे A बिंदु A पर, तो आइस तो ख़त्म हो जाएगी और पानी, दाब बढ़ाने से पानी जो है वो आइस ख़त्म होकर पानी में परिवर्तित हो जाएगी, पूरी की पूरी जो आइस है, पूरी बर्फ़ है वो सी डैश पर तक बर्फ में पानी में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह से स्थिर ताप पर यदि हम ए बिंदु पर उपस्थित प्रावस्था जो कि आइस और वाटर जहां साम्यावस्था में है इस वक्र पर, इसमें यदि हमने दाब को घटाएं, हम दाब को कम करें तो क्या होगा, जो पानी है वो पानी की स्टेट यानी द्रव अवस्था जो है वो लुप्त होनी शुरू हो जाती है और जो ठोस प्रावस्था है यह प्राप्त हो जाती है, अर्थात आइस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम सी बिंदु तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो B डैश जो लाइन है इसको हम टाई लाइन कहते हैं, जो कि स्थिर दाब पर ताप के प्रभाव को प्रदर्शित करती है, और इसी तरह से CAC डैश जो लाइन है वह भी एक टाई लाइन है जो कि स्थिर ताप पर दाब के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। तो हम इस प्रकार से इस फिनोमिना को समझ सकते हैं। फिर हमने त्रिक बिंदु पढ़ा था, त्रिक बिंदु पर जो ठोस, द्रव एवं गैस प्रावस्था हैं ये तीनों ही साम्य में उपस्थित होती हैं। चूंकि तीन प्रावस्थाएं यहाँ साम्य में हैं तो नंबर ऑफ P इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 है ही, और इससे हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 प्राप्त होता है, अर्थात तंत्र तो जो है वह अचर होता है, अर्थात स्वतंत्रता की कोटि यहाँ शून्य होती है, और इसलिए तंत्र को व्यक्त करने के लिए ताप व दाब किसी के निर्धारण की आवश्यकता में नहीं होती है और इनके मान स्वयं निर्धारित होते हैं, जो कि क्रमशः 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 4.58 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हैं। अब हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि ये तीनों प्रावस्थाएं केवल एक ताप, कौन सा ताप, 0.00098 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तथा दाब, एक दाब 4.58 मिलीमीटर मर्करी पर ही साम्यावस्था में रह सकती हैं। इनमें यदि किसी भी एक को परिवर्तित कर दिया जाए, ताप अथवा दाब को परिवर्तित करने से ही एक या दो प्रावस्थाएँ समाप्त हो जाती हैं। अब हम आते हैं मितस्थायी साम्य पर। मितस्थायी साम्य को सुपर कूलिंग वक्र
कहते हैं जब जल को हम ठंडा करते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है और हमें वक्र पीओ प्राप्त होता है। और बिंदु ओ पर जल का बर्फ में परिवर्तन प्रारंभ होना चाहिए, परंतु कभी कभी ताप बिंदु वो जमाव बिंदु से फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है, परंतु जल जो है वो बर्फ में परिवर्तित नहीं होती है और जल जो है वो द्रव ही बनी रहती है। अतः जल को इसे जल का प्रकार हमें प्राप्त जो वक्र जो होता है ओ ए डैश, जिस पर कि जल और जलवाष्प आपस में साम्य में उपस्थित होती हैं, वह वक्र बी ओ का ही एक्सटेंशन होता है। अतः यहाँ ओ ए डैश पर जलवाष्प दो प्रावस्थाएँ होती हैं और जो कि मेटास्टेबल है, जल यहाँ मेटास्टेबल स्टेट में है। और यदि इस साम्य को हम हिला दें, तेजी से हिला दें या छोटा सा बर्फ का टुकड़ा डाल दें या किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हम इसमें डेवलप कर दें तो ओ ए डैश वक्र जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और संपूर्ण जल जो है वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। और ओ ए डैश वक्र ओ ए वक्र के ऊपर स्थित है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह इसका जो वाष्प दाब है यह स्थायी समय के वाष्प दाब से इसका दाब ऊपर अधिक होता है। अर्थात एक निश्चित ताप पर मित स्थायी समय का वाष्प दाब हमेशा स्थायी समय के वाष्प दाब से अधिक होता है। अब हम पढ़ते हैं दाब अथवा ताप में परिवर्तन होने पर होने वाले परिवर्तन। जैसे कि हमने तंत्र के दाब या ताप में परिवर्तन को प्रावस्था नियम के द्वारा हमने समझा था, अब हम बिंदु तंत्र में जो हमारा जो आरेख है उसमें स्थिर दाब पी पर बिंदु पी से एस तक तंत्र को गर्म करेंगे और गर्म करने पर तंत्र में क्या परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन हम देखेंगे। तो यह परिवर्तन देखते हैं हम। पी जो है ये बिंदु पी पर हमारा तंत्र है और पी से क्यू तक हमने तंत्र को गर्म किया स्थिर दाब पर। तो देखिए बिंदु पी पर हमारी आइस उपस्थित थी और बिंदु पी पर गर्म करने पर आइस का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। यह टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता हम बिंदु वी तक आते हैं और जैसे ही हम बिंदु क्यू पर पहुँचते हैं आइस जो है, क्योंकि अब हम यह बिंदु क्यू जो है यह वक्र ओ सी पर स्थित है तो यहाँ आइस जो है बर्फ है, यह बर्फ जो है ये पिघलना प्रारंभ हो जाती है और बर्फ के साथ जल जो है वो साम्यावस्था में आ जाते हैं। अर्थात जल की दो प्रावस्थाएं सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, दो प्रावस्थाएं आपस में उपस्थित होती हैं और प्रकट हो जाती हैं। और चूंकि दो प्रावस्थाएं हैं तो सिस्टम जो तंत्र है वो एक चर हो जाता है और बिंदु क्यू पर जब पूरी की पूरी बर्फ पिघल कर द्रव में परिवर्तित हो जाती है तब फिर से द्रव जल का तापक्रम क्यू से आगे बढ़ने पर तापक्रम बढ़ता जाता है और जल का तापक्रम बढ़ता हुआ हम बिंदु आर तक पहुंच जाते हैं। बिंदु आर पे पहुंचने पर जल का जो तापक्रम है वो इतना अधिक हो जाता है कि जलवाष्प बननी शुरू हो जाती है और जलवाष्प बिंदु आर पर, क्योंकि बिंदु आर जो है वो ओबी कर्व पर है, ओबी वक्र पर उपस्थित है, अतः बिंदु आर पर जलवाष्प जो है, जलवाष्प और जल दो प्रावस्थाएँ परस्पर समय में उपस्थित होती हैं और कर्व पर वक्र पर यह बिंदु उपस्थित है, अतः यहाँ तंत्र एक चर बन जाता है। और बिंदु आर पर पहुँचने के बाद जब सारा का सारा जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है तब फिर से यह जलवाष्प का तापक्रम एस तक बढ़ने लगता है। तो बिंदु एस का जो तापक्रम होता है वो हमें टी टू प्राप्त होता है और बिंदु वी का जो तापक्रम है वो हमें टी वन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें स्थिर दाब पर ताप में परिवर्तन को हम जो उसकी व्याख्या है वो हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो अगली व्याख्या है वो बिंदु टी पर ताप टी स्थिर टेम्परेचर स्थिर रखते हुए बिंदु वी पर दाब करने पर तंत्र जो है वो रेखा वी यू के सहारे बिंदु यू पर पहुंचती है। यहाँ देखिए हम देखते हैं कि बिंदु V पर हम उपस्थित हैं और यहाँ हमने तंत्र का ताप स्थिर कर दिया और तंत्र का ताप स्थिर करके हम दाब को कम कर रहे हैं। यहाँ तंत्र में बिंदु V पर बर्फ उपस्थित है, ठोस अवस्था यानी जल की ठोस अवस्था उपस्थित है। अब बिंदु V से स्थिर ताप पर हम दाब में कमी करते हैं तो बर्फ के भी दाब में कमी होती जाती है और कमी होते होते हम बिंदु यू तक पहुँच जाते हैं। चूँकि बिंदु यू ओ ए वक्र पर उपस्थित है तो बिंदु यू पर पहुँचते ही ये जो बर्फ है यह बर्फ सीधे ही जल वाष्प में परिवर्तित यानी गैसियस स्टेट में, गैसीय
अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है और यहाँ पर बिंदु यू पर बर्फ यानी जल की ठोस अवस्था एवं गैसीय प्रवस्था दोनों ही इस परस्पर साम्य में उपस्थित हो जाती हैं, अर्थात तंत्र जो है वह यहाँ एक चर यानी मोनोवेरिएंट हो जाता है। अब बिंदु यू पर जब सारी की सारी बर्फ ऊर्ध्वपातित होकर जल वाष्प में परिवर्तित यानी गैसीय अवस्था में वाटर वेपर में परिवर्तित हो जाती है, तब फिर से दाब घटाने पर तंत्र का जो तंत्र है मतलब जल वाष्प है, जल वाष्प का दाब घटने लगता है और हम बिंदु W तक पहुंच जाते हैं और इसका ताप T हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम स्थिर ताप पर दाब में परिवर्तन से तंत्र में क्या परिवर्तन आते हैं उनको हम समझ पाते हैं और स्थिर दाब पर ताप में परिवर्तन से तंत्र में क्या परिवर्तन आते हैं हम उनको भी समझ पाते हैं। तो इस प्रकार से हम जल तंत्र को पूर्ण रूप से इसके फेज डायग्राम को पूर्ण रूप से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि किस प्रकार से जल की तीनों प्रावस्थाएँ ठोस द्रव एवं गैस आपस में परिवर्तित होती हैं विभिन्न वक्रों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों द्वारा और विभिन्न बिंदुओं के द्वारा। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।